Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. Guys, आज मैं इस वीडियो में जिस फूड प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ बात ही नहीं होगी, मैं आपको उस इवेंट पे भी आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उस इवेंट में मुझे आपके भाई को इनवाइट किया गया स्पेशली। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि ये फूड प्रोडक्ट होती क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है, किन किन बीमारियों के खिलाफ ये जो है प्रोडक्ट यूज़ की जाती है, दवाइयों में, खाने में इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फास्ट फूड जो यूज़ हो रहे हैं, ख़ासतौर पे पिज़्ज़ा, इसके बगैर जो है वो आपका पिज़्ज़ा यहाँ पे हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो अधूरा रहता है। तो गाइस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ इवेंट पे। Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the... जी गाइज, हम अभी पहुंच गए हैं लाहौर में। हम इस टाइम मौजूद हैं खुशहाल पाकिस्तान मरकज, जो कि वहादत रोड लाहौर में है। बेसिकली यहाँ पे जो है वो नौवां सालाना जो है नेशनल मशरूम फेस्टिवल करवाया जा रहा है। यहाँ पे बताया जाएगा के मशरूम को कैसे उगाया जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मशरूम बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इससे वाकिफ़ नहीं है, मुख्तलिफ नामों से इसको जानते हैं और इसके फ़ायदों और नुकसान से मतलब वो जो है ना वो आगाह नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि बेसिकली है क्या, कितनी इकसाम हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और उसके बाद फिर इसके फ़ायदों में बात करूँगा। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ आगे कि जहरीली मशरूम में और खाने वाली मशरूम में कैसे फ़र्क किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सी जहरीली है और कौन सी खाने वाली है। दुनिया भर में मशरूम की तकरीबन 1500 इकसाम पाई जाती हैं। इनमें से कुछ खाने के काबिल हैं जबकि दूसरी जहरीली हैं। पाकिस्तान में मशरूम की 56 इकसाम खाने के काबिल हैं। इनमें 4 बलोचिस्तान, 3 सिंध, 5 पंजाब और 44 इकसाम खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पाई जाती हैं। मशरूम की 4 मकबूल तरीन इकसाम बटन या यूरोपियन मशरूम, जैपनीज मशरूम, चीनी मशरूम और ऑस्टर मशरूम कहलाती हैं। मुकामी तौर पर इनकी मुख्तलिफ इकसाम को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। उर्दू में खुम्बी, अंग्रेजी में मशरूम, फारसी में गोश्त जमीनी, पश्तो में हनरेड़ी और कश्मीरी में हैडर कहते हैं। कुछ इलाकों में इसको खंडीर, शाम की छतड़ी, खम, हंडाया और गुच्छी के नाम से भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में पाई जाने वाली मशरूम गुच्छी का शुमार कुदरती तौर पर उगने वाली इंतहाई महंगी मशरूम में होता है। मशरूम को गजा और दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम में कोई नमक नहीं पाया जाता। मशरूम में 30 से 35 फीसद तक प्रोटीन, 25 से 30 फीसद तक विटामिन डी और दीगर विटामिन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन बी, थियामिन, रबोफ्लोक्सन और नियासिन भी पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सीलियम और जिंक की भी वाफर मकदार मौजूद होती है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। हफ्ते में अपनी खुराक में कम से कम 2 बार मशरूम को शामिल करना फ़ायदेमंद साबित होता है। रोज़ाना 100 ग्राम मशरूम इस्तेमाल करने से कैंसर के इम्कानात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें नशास्ता और रोगनियात की मकदार बहुत ही कम होती है, इसलिए ये दिल और शुगर के मरीजों के लिए और ऐसी खवातीन जो अपना वजन कम करना चाहती हैं के लिए भी बहुत मुफीद गुज़ा है। पाकिस्तान में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली नायाब और महंगी इकसाम की मेडिसिनल मशरूम और रेशी मशरूम, जिससे कैंसर, मोटापे, डिप्रेशन और देगर बहुत सी ला इलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन है। दुनिया में सबसे महंगी समझी जाने वाली ट्रोफल मशरूम की चंद इकसाम भी पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसी बना पर यह जख्मी और सूजे हुए अजा के इलाज के लिए मुफीद है। ये हड्डी की टूट फूट के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल मदाफ्ती निज़ाम और आंखों की नज़र को बेहतर बनाने के लिए मददगार है।
बारिशों के मौसम में कुदरती तौर पर जंगलों में पाए जाने वाली जंगली मशरूम को खाने में खसूसी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बाज इंतहाई जहरीली होती हैं और इनको खाने से मौत वाके हो सकती है। जहरीली मशरूम की आमतौर पर पहचान इसके रंगों से की जा सकती है। जहरीली मशरूम खाने वाले मशरूम के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत होती है। चमकदार ऑरेंज, रेड और स्याही माइल रंग वाली मशरूम जहरीली होती है। जहरीली मशरूम का सिरा अमूमन छतड़ी नुमा और इसके तने पर गोल रिंग बना होता है। सफेद रंग और गोल सिरे वाली मशरूम खाने के लिए मुफीद हैं। जहरीली मशरूम में ऑरेंज बुर्च बुलेट, रेड फ्लाई एग्रिक, डेथ कैप, ऑटम स्कल कैप, डिस्ट्रॉइंग एंजल्स, पोडोस्ट्रोमा कॉर्नो मशहूर हैं। मशरूम की काश्त बेहतरीन स्मॉल बिजनेस और गुर्बत की दलदल से निकलने का बाइज्जत रास्ता है। इस काम को 5,000 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। मशरूम की काश्त के लिए बड़े रकबे की जरूरत नहीं होती। इसे घरों में आसानी से शेल्फों या पॉलीथीन के थैलों में काश्त किया जा सकता है। मशरूम को अक्टूबर और मार्च के दरमियान काश्त किया जाता है। मशरूम की काश्त तारीख, माहौल, नमी वाले इलाकों और जहां सर्दी का मौसम हो या दर्जा हरारत 16 से 20 सेंटीग्रेड तक रहे, वहां आसानी से काश्त हो सकती है। मशरूम बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती है। आमतौर पर मशरूम को दो तरीकों से उगाया जाता है। एक तो ये कि किसी खुले ट्रे या बर्तन में मशरूम के लिए बनाए गए खास मटेरियल को डालकर इसके ऊपर मशरूम के बीज डालकर इसको उगाने के लिए खास माहौल में रखा जाता है, जो कि बटन मशरूम्स के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि दूसरे तरीके में तूड़ी को पानी के अंदर 30 मिनट तक डालकर पकाया जाता है। इसके बाद इस तूड़ी को पानी से अलग करके सुखाने के लिए रखा जाता है। इसके बाद इसे प्लास्टिक के लिफाफों में डालकर इसको नीम तरीक कमरे में रख दिया या लटका दिया जाता है और प्लास्टिक के लिफाफों को बाहर से कट लगा दिए जाते हैं। कुछ अरसा के बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाती है।